नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। क्या होता है भगवान? भगवान क्या होता है? यह सवाल उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जानना जो जानते हैं कि भगवान क्या होता है, क्योंकि शायद इस सवाल के जवाब से उन्हें दृष्टि में विस्तार मिले। उनके पास जो जवाब था कि भगवान क्या होता है, वो जवाब दुगना हो जाए मेरा प्रयास से, मेरी बुद्धि से, मेरी समझ से, मेरे शब्दों में प्रस्तुत करूँगा। मूल रूप से उनके लिए जो नहीं जानते कि भगवान क्या होता है, चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, जानना जरूरी है जिंदगी में। याद रखिए, जानना ही जीवन है, वरना हम में और किसी भी निर्जीव वस्तु में कोई अंतर नहीं। इसीलिए पशुओं से, पक्षियों से, कीट पतंगों से और दूसरी योनियों से मानव योनि उत्तम है। चलिए हम बताते हैं भगवान क्या होता है। भगवान का जो रूप में बता रहा हूँ वही सिर्फ भगवान नहीं है, भगवान तो अनंत है, लेकिन मैं एक रूप आपको आसानी से समझाने के लिए बता रहा हूँ। भगवान माँ है, भगवान आपके घर में भी है, आपकी माँ बनकर, आपके पिता बनकर। भगवान आपके घर में भी है, आपकी बेटी बनकर, आपकी लक्ष्मी बनकर। भगवान आपके छोटे से नन्हे मुन्ने में भी है, जो अबोध है, जिसकी आत्मा ने अभी समाज के दूषण को स्पर्श नहीं किया है, क्योंकि बच्चा है, बालक है, कोमल है, दुनियादारी नहीं सीखी है, बिगड़ा नहीं है, भ्रष्ट नहीं हुआ है, करप्ट नहीं हुआ है। चलिए, ये तो मैंने वो भगवान आपको बता दिए जो आपको दिखते हैं। आपका गुरु वो भी भगवान है, आपकी श्रद्धा जो बीच में है वो उसे भगवान बनाती है, वरना गुरु भी एक आम इंसान है। लेकिन अगर आपने मान लिया, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, आपने मान लिया तो वो गुरु आपके लिए भगवान से कम नहीं, उसका आशीर्वाद चमत्कार कर देगा आपके जीवन में, याद रखिए। लेकिन आपके पास वो श्रद्धा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वो भगवान का रूप जो नहीं देखा आपने, वो भगवान का रूप जिसको लेकर मैंने ये पोस्ट बनाई है, जो मैंने आपको बताना चाहा, मैंने कहा वो माँ है, वो माँ है, वो आपके आसपास ही, आपके चारों तरफ है, उसने आपको गोद में लिया हुआ है। भाग्यशाली हो आप, मानव शिशु प्रकृति की गोद में, प्रकृति के रूप में माँ है, और माँ के रूप में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, कंकर कंकर में शंकर है। तो हवा, पानी, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, सूरज, चंद्रमा, जो भी आपके आसपास है, सब प्रकृति है, वही माँ है, वही आपको पाल रही है, वही आपका ध्यान रख रही है, वही आपका देखभाल कर रही है। अब ऐसे समझ लीजिए इसी बात को सैद्धांतिक रूप से, जो जन्म देता है वो माँ है। शरीर को जन्म दिया है पांच तत्वों ने, अग्नि जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति मिट्टी पृथ्वी, जल 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 तो है ही जानते हैं आप, पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीर वायु। इन पंच तत्वों से आपके इस भौतिक शरीर का, इस मिट्टी के शरीर का, आपके घर का, जिस घर में आप रहते हैं, जिसका घर का नाम आपका नाम है, वो इन पंच तत्वों से बना है। आपकी माँ, पंच तत्व ही आपकी माँ है, वो आपके चारों तरफ है, आप उनकी परवाह करें ना करें, उनको आपकी परवाह है। हालांकि वो आपको जीवनदायी भी है, तो जीवन लेते भी हैं, आप गलती करते हैं तो आपको चांटा भी पड़ता है माँ से। अब जान के गलती करते हैं तो चांटा जोर से पड़ता है, लेकिन माँ कोशिश यही करती कि हमेशा आपको सुधार दे। लेकिन आप आत्मघाती हो जाए तो फिर कौन रोक सकता है। इसलिए याद रखिए, माँ है जो बचा रही है, माँ है जो जन्म देती है, और माँ है जो चोट भी पहुँचाती है सुधारने के लिए, माँ है जो बाद में आपको अपने अंक में समेट लेती है, अपने भीतर, अपने बदन में, अपनी आत्मा में वापस पहुँचा देती है, जहाँ से आप आए हैं, जिस दुनिया से, जिस विश्व से। जी हाँ, वो माँ है। अग्नि का रूप भी है, वो जल का रूप भी है। दावानल भी जंगल में जलते देखे, बाढ़ बहते हुए लाशें भी देखी, बाढ़ का घनघोर रूप देखा है आप, आंधियां देखी हैं आप, भूडोल धरती जब डोलती, धरती जब फटती है, तो धरती का भी क्रोधित रूप देखा है आपने।
आकाश, सिर्फ एक आकाश है जो पिता है, वो सिर्फ आपको देखता है, वो आपका साक्षी है, क्योंकि अंत में आप उसी के भीतर चले जाते हैं, उस अनंत में, उस अनंत आकाश में, स्पेस में। तो ये पांचों तत्व हैं जो जन्म देते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, और जो आपके जाने के बाद फिर आपको अपने साथ कर लेते हैं, अपने भीतर समेट लेते हैं। ये है माँ और यही है ईश्वर का रूप। अग्निदेव है, चंद्रदेव है, वायुदेव है, जलदेव है, पृथ्वी माँ है, आकाश को तो कहा ही जाता है। द्योह पिता पृथ्वी माता। इसलिए अगर आप भगवान को नहीं मानते तो ये भगवान आपके आसपास है, आपके घर में जो दिख रहे हैं, और आपके घर के बाहर जो नहीं दिख रहे हैं, आपके चारों तरफ है, वो भी भगवान ही है। ये एक आस्था चाहिए, आस्था नहीं, मूल रूप से ये कृतज्ञता है, धन्यवाद की भावना है। जिसने जन्म दिया उसको धन्यवाद, जो पाल रहा है उसको धन्यवाद, और जो जाने के बाद फिर से हमें नया जीवन देगा, इस पृथ्वी से जाने के बाद, इस शरीर से, इस नकली मिट्टी के घर से निकल जाने के बाद फिर से नया घर देगा, नया चोला देगा, उसका भी धन्यवाद। वो माँ है और वही भगवान है। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।